हमरा एकटा पंक्तिके याद आबि रहल अछि, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कहने छलखिन, आदमी पैघ मनसँ होइत अछि जाति सङ्गे। नेपालके संविधान 2072 जातीय विभेद तथा छुआछूतके अन्त करैके व्यवस्था केनेके बावजूदो व्यवहारमे कार्यान्वयन होबऽ नहि सकल अछि। नेपालके संविधान 2072 जातीय विभेद तथा छुआछूतके गम्भीर सामाजिक दण्डनीय अपराधके स्वरूपमे लेने अछि। एहिसँ पहिले हो जातीय विभेद तथा छुआछूत ऐन 2068 जातीय विभेद तथा छुआछूतके विरुद्धमे नियम कानूनसब पारित केने छल, मुदा एहिके बातो विभिन्न जगहपर समाजमे छुआछूतके प्रचलन कायम रहल अछि। जनमञ्चमे हमसब इएह विषयमे बहस करऽ जा रहल छी। नमस्कार, हम अमित ठाकुर, जनमञ्चमे अपने सबके स्वागत अछि। अपनासब निरंकुश राणा काल पास कऽ कऽ एखन आब लोकतन्त्रके अभ्यास कऽ रहल छी। एहि बीचमे विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन सब भेलै, लेकिन ई राजनीतिक परिवर्तनके बीचमे की सामाजिक परिवर्तन भेलै? सामाजिक विभेद सब निर्मूल भेल अवस्था छै कि नहि? ई कहिया हेतै? विभिन्न जातिके नामपर होबयवला छुआछूत आ विभेदके स्तर की रहल छै? खास कऽ कऽ सिरहा जिलामे एहिके अवस्था केहन रहल छै? जाति जातिके विभेद, अन्तर्जातीय विभेद तथा दलितके छुआछूतके अवस्था की रहल छै? इएह विषयपर आइ जनमञ्चमे हमसब बहस करऽ जा रहल छी। बहसमे हमरा सबके साथमे छथि प्रदेश नंबर 2 के सभासद माननीय दिलीप कुमार शाहजी, तहिना हमरा सबके साथमे छथि करजना नगरपालिकाके मेयर गंगा पासवान, तहिना हमरा सबके साथमे छथि जिला प्रहरी कार्यालयके DSP गजू सिद्धि वज्राचार्य जी। आइ हमसब करजना नगरपालिकाके मुख्य बाजारसँ रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी। जनमञ्चके बहसके शुरुआत हम सबसँ पहिले सहभागी सबसँ करऽ चाहै छी, जँ किनको छुआछूत सम्बन्धी कोनो अनुभव होय तऽ अपन अनुभव सुना सकै छथिन अपन परिचयके साथ। नमस्कार, हमर नाम संजय कुमार पासवान है, घर करजना वार्ड नंबर 9। आइसँ कुछ 2 साल अगाड़ी जे धनसा जिलाके अहाँके कथी कहै छै ढोल बज्जा कहै छै कि, ताहिसँ हम एनाहिते अपन नानी गाम जा रहल छलियै गे, तऽ ओहिजे की छै विशेष दोनबारके आओर यादवजीके बस्ती छै गे, तऽ ओहिजे कलसँ इनारसँ पानि भरि रहल छलै कि, तऽ पानि भरैके क्रममे की कहै छै कि सबसे पहिने हमरा ओहिजेसँ पास जे भेली तऽ हमर जाइत पुछलक कोन जाइत छी कि घर, तऽ हम कहलियै पासवान छी, रुक रुक बोलम पानि भरै छी, बोलकै अखन अहाँ नहि जा सकै छी कि घर, तेहन छलहुँ। धन्यवाद। जँ आरो किनको एहन अनुभव होय छुआछूत सम्बन्धी तऽ ओ अपन अनुभव सुना सकै छथि प्रथम रोमे। हमर नाम भूटा पासवान, घर करजनहा 9 नंबर वार्ड। हम एकटा बात राखय लए चाहै छी, भेदभाव वास्तवमे एहि लऽ छुआछूत, छुआछूतके अर्थ कथी भेलै कि कऽ जे जकरा कोनो हम अहाँ जे वास्तवमे एकटा भगवान कहि कऽ जे मानै छी कि कऽ, तऽ मतलब चेहरा मेहरा हाथ गोर आँखि कान दुनियादारी सबकिछु जेना मतलब कि कऽ हमरा सबके जे सबके एके रंग खून एके है, तब एहि लए भेदभाव कथीके? मतलब हमसब जे एकटा छठि पारणमे कहि कऽ जे एहि लए भेदभाव भेलै, कथी भेदभाव भेलै कहि कऽ, एकटा छठि पारणके कारण मतलब परत कालमे कहि कऽ जे मतलब एकटा टोलमे जे नहरपर जे गेलियै कहि कऽ, तऽ आरो हिन्दू समुदाय आरो महाराज समुदाय विभिन्न समुदाय सब जे रहै होइ जाइ, तऽ बड़का चरका चरकी होइ जे भऽ गेलै कहि कऽ, जे हमसब जे वास्तवमे एनीमे अहाँसँ रखै बात जे हमसब सब एकै ठाम मनायब, सब चीज एकै छी तऽ एकै ठाम मनायब, ओ सबमे हिन्दू सब अपनाके कहै जे कहि कऽ नहि तोसब अलग रह हमसब अलग रहबै, तऽ ओहि दुआरे जे वास्तवमे सरकार तऽ एकटा नियम विधान कानून बनबै है, लेकिन ओ चीज हमसब नहि देखै छी लागू नहि होइ है कि कऽ, ताहि दुआरे जे मतलब हमर कहै अतमी जी। धन्यवाद। गंगा जी, अपने स्वयं दलित समुदायसँ अबै छियै, अपना जहिया अहाँ सर्वसाधारण छलियै आ एखन आब करजनाके मेयर भेल अवस्थामे छुआछूत सम्बन्धी ठीकेमे फर्क आबि गेल छै कि की अवस्था अपने देख रहल छियै? जनतासँ सुनलियै जे प्रश्न केलकै ओ सत्य छै, एकर व्यवहारिक रूपमे पुरुष रूप भऽ सकल छै, अभी तक
राजतंत्र अंत भेले, गणतंत्र देश में स्थापना भेले, लेकिन ई अंश सब अभी बाकी छे, महसूस हमरो भ रहल छे। आब हम दिलीप जी सर, दिलीप जी देखल जाय छै जे एकटा दलित के राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन जे होबे के चाही, चाहे ओ चुनाव बेर में होय, चाहे पार्टी के भीतरे में होय, अपन अपन होय, राजनीतिक दल सब दलित के स्वीकार केला नै करे चाहे छै अग्रपंक्ति में। सबसे पहले तो ई एगो मनु स्मृति द्वारा प्रतिपादित कैल समाज द्वारा ई विभेद समाज में लायल गेल है। अब ओके अंत्य करे के लागी खास कर राज्य के मूलधार में दलित सबके समेट के लागी ओकरा अधिकार से जोड़ल विषय वस्तु सबके लाभ के लागी आके महान जनयुद्ध के शुरुआत से बेल रहे, एक उत्पीड़ित समुदाय सबके सबके अगाड़ी बढ़ाब के ओकरा अधिकार दिलाब के लागी। सबसे पहले तो ओमे दलित समुदाय जे राज्य से उपेक्षित ओकरा प्रति छुआछूत जे प्रथा लादल गेल रहे एगो वही सबके अंत्य कर के लागी, वो विभेद के अंत्य कर के लागी ओ महान जनयुद्ध के शुरुआत भेल रहे। वही महान जनयुद्ध के क्रम में हमरा बुझाइए सबसे बेसी यदि केकरो अधिकार वाला बात भेल रहे तो दलित से जोड़ के और ओकरा भीतर में जे विभेद रहे जेकरा हम अहाँ अखनी ई बहस में लाइब रहल छिए, ई छुआछूत के अंत्य होइक चाही, तो ओहि में हमरा बुझाइए अखनी जे समाज के परिवर्तन संगसंगे जे नेपाल में खास कर के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भऽ गेलै, समानुपातिक समावेशी कहि रहल छिए, ओकरा अधिकार से जोड़ल विषय सबके जे सवाल सब है, हमरा बुझाइए अखनी तक पहिलका के हिसाब से पहले के हिसाब से अखनी बहुत वो समाज से हट चुकल है, जे छुआछूत प्रथा कहि रहल छिए पहले के तुलना में अखनी बहुत हटल है, लेकिन अखन तो 21वीं शताब्दी में जे ई समाज जब आबि गेल है तो ई प्रथा अखन को ठाव ठाव में देखल जा रहल है। घटना प्रक्रिया से हम अहाँ देख रहल छिए कि जे दुर्गम गाँव सब में जाऊ तो ई प्रथा हटल नहीं है, ई प्रथा के हटाबे के लागी राजनीतिक दल के रूप में रहल है, राजनीतिक दल सब प्रतिनिधित्व कैला नै दै छथ, राजनीतिक दल सब प्रतिनिधित्व कैला नै दै छथ। प्रतिनिधित्व के हिसाब से कहबे तो अखन को आ के अय प्रदेश सभा होय या प्रतिनिधि सभा होय या राष्ट्रीय सभा होय अय में दलित के अखनी 6% समेटल गेल है, संख्या के अनुपात में दलित जम्मा 13% है, वही में अहाँ के 6% दलित के राज्य सत्ता के मूल ठाव जरा कहे अहाँ के राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा वही में समेटल गेल है, वही में राखल गेल है, लेकिन फिर भी अखनी जे संविधान बनल है उस संविधान कार्यान्वयन के पक्ष में है, कार्यान्वयन के दिशा तरफ है, तो अखनी सब चीज कार्यान्वयन भ गेल है, समटा गेल है सेहो वाला बात नहीं है, लेकिन राज्य सत्ता के मूल जे ठाव है वही सब में समेट के प्रयास राजनीतिक दल सब कर रहे, इवन मतलब खास कर के माओवादी जे पार्टी जे एकर अधिकार के लागी लड़ल वही के प्रतिफल आई राज्य सत्ता में दलित सबके अते बड़का सहभागिता भेल है। सब अखनी देखबे त अहाँ के दलित महिला से जे माओवादी सब या प्रचंड के सरकार जे ई सवाल सब उठेलकै तो लगभग राज्य सत्ता में नीचा से लग ऊपर तह तक में दलित महिला मात्रे 6000 के संख्या में निर्वाचित भेल है नेपाले भर में देखबे तो राज्य सत्ता से अखनी जोड़ल नहीं गेल है दलित सब से वाला बात नहीं है, माओवादी जनयुद्ध के प्रतिफल आंदोलन के प्रतिफल से राज्य सत्ता में दलित सबके दलित महिला सबके जोड़ के बात के नहीं सहभागिता के बात के नहीं है, लेकिन जते होइक चाहिए उ चीज अखन को नहीं भेल है, तै के लागी फिर माओवादी पार्टी फिर आवाज उठाबि रहल है। हमरा सबके साथ में डीएसपी डीएसपी बज्राचार्य जी, विभिन्न किसिमले विभेदहरु भइ नै राखेको हुन्छ समाजमा, ठाउँ ठाउँमा घटनाहरु भइराखेको हुन्छ, तर त्यस किसिमले उजुरी किन पर्न आउँदैन प्रहरी कार्यालयमा? पहिला सर्वप्रथम त यसमा शिक्षा चेतनाको कमी भन्छु म यसलाई, पहिला शिक्षा हामीले शिक्षालाई चाहिँ फैलाउनु पर्यो, शिक्षित हुनु पर्यो, मान्छे शिक्षित भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ मेरो अधिकार के छ त भनेर अनि बल्ल उसले म विभेदमा परेको छु भन्ने थाहा हुन्छ, जब उसलाई म विभेदमा परेको छु भने नै थाहा हुँदैन उसले उजुरी गर्ने उजुरी गर्न जान्दैन, त्यो भएको हुनाले मेरो विचार पहिला शिक्षित हुनु पऱ्यो,
शिक्षित भइसकेपछि म विवेचना परेको छु छैन त्यो थाहा हुन्छ अर्को भनेको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्यो नेपाल सरकारले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने भन्ने जुन ऐन लिएर आयो 2068 सालमा त्यो लिएर आइसकेपछि यसमा चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै डिक्लाइनेसन भनेको न्यूनतम भएको छ तर यसमा पनि अहिले माननीयज्यूले मेयर साहबले भन्नुभयो या जनताबाट पनि आवाज आयो अझै पनि भइरहेको छ त्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उजुरी गर्ने प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ उजुरी गऱ्यो भने चाहिँ यो कसुर गर्नेलाई सजाय हुन्छ है भन्ने कुरो किसिमले चाहिँ उजुरी आउनु पऱ्यो उजुरी गर्नु पऱ्यो आर्थिक वर्ष 72-73 74-75 आउँदा जम्मा 4 उजुरी परे रहेछन् कस्तो प्रवृत्तिको उजुरी आउने गर्दछ यस जिल्लामा यसमा तपाईँ त्यस अहिले भन्नुभयो 3 4 उजुरी परेको छ त्यसमा यो विभिन्न खालको जस्तै कुवामा चाहिँ इनारबाट पानी छिक्न नदिने दलितलाई भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इनार नछौ भन्नेदेखि लिएर मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने र अर्को चाहिँ अर्को दलितसँग विवाह गर्यो भनेर सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने किसिमको चाहिँ आज फेर्छ सहभागी तर्फ अब चाहब जौँ किनको प्रश्न हो त हात उठाएको प्रश्न कह सकै छथिन पहिल रोमे महिला छ हाम्रो नाम चाहिँ भुलिया देवी पासवान घर करजनहा 9 देखियौ करजनहा रे माघमे भोज छलैए तऽ हिनू कथी कहलकै से दुसा चमार खेतौ तऽ हमसब नहि खेबौ ओहिके बहुते बात भेलै पर पञ्चायत भेलै आबू एकटा जाति छलै यादव जाति तऽ ओ कथी कहलकै हम नहि खेबौ नहि खेबौ तऽ 70 नहि बैठका नहि खेलकै ओ तऽ हमर दलित सब अपन भोज खेलक आ ओ यादव नहि खेलक हम गङ्गाजी तरफ आबऽ चाहबै गङ्गाजी एखनो ई जे छै कहल जाइ छै भोजमे सङ्गे बैसिकऽ नहि खायब स्थानीय स्तरपर की भऽ रहल छै एहिके बारेमे अभी भर्खर स्थानीय चुनाव भऽ कऽ हम एकटा दलितसँ दलित घर नै जलम र जनयुद्धबाट जनयुद्धसँ सङ्घर्ष करैत अबिते हम अखनि जनप्रतिनिधि बनिकऽ समाजके सेवाके कारण हम अखनि एहि समाजमे मेयरके रूपमे आयल छी ई जे भऽ रहल छै जे ई सत्य छै अभी तक एहि समाजमे छुआछूत भेदभाव करजनहा नगरपालिका भीतरमे कम छै लेकिन फिर भी युवा वर्ग सबने कम पायल जाइ छै लेकिन अखुनतो जे पुरना हिसाबसँ जे समाजके संस्कृति छै समाज जे हिसाबसँ चलायल छै ओ अभी तक नहि हटल छै जे हिसाबसँ अगर है न बुझल जाय तऽ एहि लए एहि गाँवमे करजनहामे सबसँ बड़का एकटा धनहारा कहाबयवला हमरा सबके डॉक्टर उपिंदर जी हुनका घर नहि भोज भेल छलै लेकिन महारा समुदाय सबके ओ सब दलित छै ओकरा सबके हेलना कयने छै हमसब अकर ओकरा घर नहि किया नहि भोज खाइ गेलै महारा समुदाय सब से हुनका सब जोड़े एकचोटी जन समाज अइ लए सहभागी छै हुनका जोड़े भी बुझे हमरा से बुझल जाय तऽ दलितके पीड़ा हमरा स्वयं हम मेर तऽ छी लेकिन स्वयं हम भोगि रहल छी जेनाकि एहि समाजमे अभी तक हमरा सबके अगाड़ि कानून प्रत्यक्ष रूपने समाजमे बुझा दियवला हमरा सबके प्रशासन करजनहा चौकी छै मिर्चैयाके DSP साहब नजदीके छै हम एहि लए ई राखि दिअ चाहै छी अपना सबके समाजमे अहाँ सबके अगाड़ीमे कि अभी तक दलितके कोन मुद्दापर डीलिंग भेल छै है न हमरा अभी तक अभी तऽ हम सरकारमे छी स्थानीय सरकारमे अब हम एकटा नीति निर्माण कऽ के अगाड़ी बढ़ैके सोचमे छी लेकिन अभी तक हमरा ई महसूस नहि भेल गऽ कि दलितके मुद्दा अखनि तक कोन अगाड़ी कऽ के अयलै है न समाजके अगाड़ीमे कोन एहन दलितके मुद्दा छै ताहिमे कानूनी रूपसँ अगाड़ी बढ़ा देने छै है न हमरा महसूस नहि भेल छै
कमी अपने ककर देखे छी ककरा तरफ से कमी कमजोरी भ रहल छै स्थानीय त के निकाय कि प्रहरी प्रशासन के कमी अभी स्थानीय त त भरखरे निर्वाचित भक एकटा है ना नया संरचना ने आयल छै लेकिन अगाड़ी से हमरा सब से अनुभूति भ रहल है कि जब एकटा ई समाज ने एकटा दलित गंगा जी सीधा सीधा कह दऊ ना गलती ककर छै गलती राजपक्ष के छै तो राजपक्ष में तो आब अहू सब आब गेलिए ने आब गेलिए लेकिन अपन गलती स्वीकार करबे यहां सब जे नहीं भ रहल छै यहां सब द्वारा अगाड़ी के गलती अगाड़ी के है ना जे देखने छियै ओकर समीक्षा करते अकरा सच्चा के चलबे से हम है ना ककर गलती से जवाब नहीं एले गंगा जी एखनो तक नहीं जवाब एले ककर गलती छै प्रहरी प्रशासन स्थानीय तह के जे सरकार छै जे में आब अहू सब छियै एहि में प्रहरी से ककर गलती छै अरे प्रहरी प्रशासन के कमजोरी देखा पड़ रहल छै डीएसपी साहब यहाँ गंगा जी ले सीधा सीधा भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रहरी प्रशासनले काम गरेन जे जति उजुरी आउँछ रे जति समस्याहरू देखा पर्छ त्यसमा तपाईहरुले काम गर्नु भएन तपाईहरुको गल्ती भयो यसमा तपाईको हामीले विशेष गरी महिला बालबालिका दलित अल्पसंख्यकहरुको जुन उजुरी आउँछ उनीहरुलाई विशेष प्रायोरिटीमा राखेर हामी काम गर्छौँ जति आउँछ मैले अघि नै भन्ने महिला बालबालिका दलित अल्पसंख्यक निशाहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा हामी काम गर्छौँ उहाँहरू आएको चाहिँ अहिले इभन हाम्रो सबै मिर्चोयामा मात्रै होइन यो कर्जनामा मात्रै होइन होल जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्लाभरिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरा र माटासम्म अन्य सबैतिर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई विशेष गराएको छौँ र जुन उहाँहरूले भने यो छुवाछुटको मात्रै होइन उहाँले अरू सबैजनालाई चाहिँ समेट्नु भएको जस्तो लाग्यो यी सबै मुद्दाहरूमा जब उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी विशेष आउने बित्तिकै तपाईँको उहाँहरूले उजुरी नगरे पनि तपाईँ के काममा आउनुभएको तपाईँसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न नि तपाईँको कामले विगतको काम अहिलेको कामले सन्तुष्ट हुनुहुन्न खुला रूपमा भनिरहनु भएको छ प्रहरी प्रशासनको कमी कमजोरी छ त कमी कमजोरी अब कमी कमजोरी छ त केमा छ त त्यो पनि स्पष्ट भयो कारवाही अगाडि बढाइदिनु भएन राम्ररी गरिदिनु भएन तपाईँहरूले कारवाही होइन त्यसमा त मलाई मेरो विचारमा त्यसमा कारवाही अगाडि बढाइदिएन कारवाही भएन भनेर गुनासो खासै आएको जस्तो मलाई लाग्दैन फेर सर सहभागी तरफ अब चाहिँ किनको यदि प्रश्न हो प्रथम रोमे महिला छ तपाईँ सर नमस्कार हम निर्मला पासवान हमर घर है करजना वडा नंबर 9 में सबसे पहले हम जिला के अनुभव सुना रहल छी वास्तव में जिला में जातीय छुआछूत के अवस्था केहन है कहके विचार करत कला वास्तव में जातीय छुआछूत के अवस्था एकदम गंभीर अवस्था है अखन तो हम अहाँ जे दू चार बरस के अवधि में बहुत घटना सब घट रहा अनुभव हमरो और के पास में है कैला कि अहाँ के जहना 71-72 में जहना सुकुमरी सदा अहाँ के धोबिया झार के घटना यथा बतेछिए ओनाहिते करके अहाँके गीता मलिक अहाँके लालपुर के गोलबजार नगरपालिका लालपुर के घटना अखन तो शायद गीता मलिक के अवस्था देखबे तो अखन तो एक अहाँके पानी पिए वाला अवस्था अखन नहीं है जे एकदम जेहने अवस्था में छे ओहने अवस्था है अब यावत अखन कथी रहले वास्तव में हम अजे करजना के अनुभव करत कला हम अजे के करजना वासी छे जे अखन जातीय छुआछूत के अवस्था करजना में यानी के देखबे तो एकदम गंभीर रूप में अखन तो यतावत है कैला कि अखनी जातीय छुआछूत के अवस्था अखन तो एक देश में एत बड़का लोकतंत्र अल लोकतंत्र के बावजूद जे एक समाज में परिवर्तन होबक चाहिए उ समाज एक राजनीतिक परिवर्तन कुछ लेवल में भेल तो समाज परिवर्तनों के एक भागीदार समाज में परिवर्तन होना एकदम आवश्यक है कैला कि अखनी अखन के अवस्था में करजना के देखब जेहन हम अहाँ चाहे रही ओहन समाज परिवर्तन हो नहीं सकल रही जबकि अखन तो पटक पटक जब अहाँ के छठ के बखत में अहाँ के जे पूजा करे वाला अवस्था में अहाँ के ओहो बखत में एक जबकि एक 2068 साल के कानून में 2068 में कानून एहन पास भ गेले उ कानून के मीचो के जनता सब अखन तो जनता सब अखन तो 2068 के कानून के मीच के चल रहा है कैला कि अब जनता सब जब अहिज के छठ पर्व के टाइम में एक ठाम सामूहिक रूप में जब मठ मंदिर में पूजा आजा के ठाम में सार्वजनिक जगह से ठाउँ में कुनो भी अवस्था में जाति छुआछूत जाति भेदभाव करे ला नहीं पौते क्योंकि बकायदा कानून पास कर देने तो कानून के ऊ कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितल हो आ ओनाते करके अज विवाह वर्तमान भोज भतेर में जे एक समान किस्म के मानव भ के एक विवाह में एखनो समस्या देखा अखन तो समस्या धन्यवाद मेयर जी से हम जवाब ले गंगा जी एखनो छठ में एते बड़का पावनि होइ छै पावनि में से छुआछूत छै शादी विवाह के माहौल में सेहो छुआछूत यथावत देखल जाए की कह रहल छी अपने सब जे सवाल रखल गया सत्य छे हम कई चोटी शुरू कर सकली कई चोटी हम बोली सुकली
अब अकरा अंत कर के लागी अखनी 2072 के उपधारा 24 में कुछ इन सब संविधान में उल्लिखित छे ओय के तहत हम स्थानीय नीति के एक निर्माण क के ऐ के मुक्त कर के खातिर हम अगारी बढ़बे हम एक विश्वास ऐ समाज के दीब चाहे छे ई कोनो ने कोनो रूप में जे दलित पर छुआछूत भेदभाव भ रहल छे अकरा अंत कर के लागी अभी नीति एक निर्माण कर जा रहल छे अभी त अगारी दलित के लागी कोनो एहन नीति हम अगारी नहीं साइड देने छे लेकिन अकर बहुत जल्दी हम कुछ योजना सब है ना लाइब चुकल छे जे अकरा है ना जे कानूनी रूप ने स्थानीय है ना नीति निर्माण क का है ना अगारी बढ़ेबे से नीति सब निर्माण भ चुकल छे। दिलीप जी एखन के जे एन कानून छे पर्याप्त नहीं छे कि जनता के जे हक अधिकार होबक चाहिए जे मौलिक अधिकार होबक चाहिए स्वतंत्र से बाची कोनो विभेद हमरा ऊपर नहीं होए एखन के एन अपूर्व छे कि पूरा नहीं छे जे जैसे जनता सब एखनो छुआछूत के शिकार भ रहल छथि खास कर के एन कानून के सवाल है। अब एन कानून अखनको जते बनल है तैमे छुआछूत के संबंध में हम कह जाए छी कतौ नहीं कहने है जे छुआछूत करय पड़तै दलित है तो ओकरा पर विभेद करय पड़तै उ कानून में कतौ नहीं कहने है कानून में अते कहने है यदि विभेद करते तो ओकरा पर कानून लग सकते यदि छुआछूत प्रथा अखनको ओहि किसिम से जेना भोज भतेर वाला बात उठे लगा तो भोजो भतेर पर यदि विभेद कल के तो वही से यदि निवेदन जते तो वह कानून लग सके हमसे बुझे दोसर अहाँ के पावन सब पर कहल के जे विभिन्न पवनी त्यौहार छठ सब होइ है ओहू में यदि विभेद यदि करे है दलित सब पर तो उजुरी यदि तो वो जे सब विभेद कल के तो पर कानून लग सके तते तक कानून अखनी है लेकिन अखन को जे उत्पीड़न में पड़ल समुदाय सब जे है दलित होए महिला होए मधेशी होए आदिवासी जनजाति होए ओकरा सबके राज्य के हरेक निकाय जे कहै छिए या मूल ठाउँ में लऽ जाय के लेल अखन को पर्याप्त कानून नहीं बन चुकल है ओकरा समेट के लागी के मधेशी के महिला के दलित के समेट के लागी अखन को अहाँ के कानून पर्याप्त नहीं है उ चीज बनाकर अगाड़ी बढ़े वाला बात है लेकिन प्रदेश सरकार के अपनो नीति नियम एन कानून सब बन जा रहा है धीरे धीरे प्रक्रिया में से अहाँ सब इस संबंध में की आवाज उठा रहा केहन किस्म के कानून लाभ के लॉबिंग कर सब खास कर के अब 21वीं शताब्दी में छुआछूत प्रथा यदि है वो समाज के लागी कलंके है जैसे वही चीज के हटाव के लागी कानून बढ़िया से बढ़िया बनाब के प्रयास में हम सब छी प्रदेश से कौन कौन बुदा समेट के प्रयास कर जा रहा छी किछो विचार भेल छी कि नहीं पर दलित के सवाल में छलफल चल रहल है अखनी विभेद के बारे में या की छलफल चल रहल छै कथी के बता दियौ ने त खास कर के दलित सब जे उत्पीड़न में पड़ल है ओकरा पर विभेद भ रहल है उ विभेद नहीं होए यदि उ विभेद होते तो ठीक नहीं होते तो हिसाब से हम सब छलफल क के अखनी प्रक्रिया है 2068 के त एन छै के ने तो ओहि से आगा कत अहाँ से पढ़ जा रहल छी हम से बुझे चाहू की छलफल भ रहल छै कि छलफल भइए नै रहल छै 68 के जे है ओहि में विभेद करय पड़तै दलित पर या ई छुआछूत प्रथा समाज में लागू हो नहीं हटबय पड़तै से त नहीं कहने उ त हटबय पड़तै से कहने ने कानून लगतै से त कहनै ई एहि सब के कार्यान्वयन पक्ष जे है एक और मजबूत बनाएल जाए तई हिसाब से आके हम सब अगाड़ी बढ़ रहा छी अही बात पर हम सब डीएसपी साहब तरफ आबे चाहे छी बज्राचार्य जी कानूनी पक्ष किन कमजोर भएर गएको होला दुवै जनाले भन्दा हुनुहुन्छ कि कानून त्यति मजबूत भइदिएन रे कानून कानूनमा सुधार गर्दै जाने कुरो त सधैँ विद्यमान रहिरहन्छ कानूनमा सुधारको बाटो सधैँ खुला रहिरहन्छ तर अहिले गर्नुपर्ने हामीले गर्नुपर्ने के भने अहिले जुन विद्यमान कानून जुन छ विद्यमान कानुनलाई लागू गर्नु पर्यो पहिला यो भन्दा कमजोर थियो कानुन मुलुकेन अडलको महलमा मात्र समेटिएको थियो सजायको व्यवस्था थिएन त्यो भएपछि समाजमा चाहिँ विभेदको कुरो छुवाछुतको कुरा चाहिँ बढ्दै गयो त्यसलाई निर्मूल गर्न सकेन नियन्त्रण गर्न सकिन भन्ने भइसकेपछि नेपाल सरकारले होइन यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि यसलाई सबैलाई समान मौलिक हक जुन नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको विभेदको जुन बिना विभेदको बाँच्न पाउने अधिकार त्यसलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो जातीय छुवाछुत तथा सजाय ऐन लिएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त तपाईँहरूको हो नि तर भइरहेको छैन
कार्यान्वयन किन राम्ररी नभएको होला? यसमा मैले तपाईँलाई अघि पनि अनुरोध गरेँ, दुई तिनवटा कुरो। एउटा कुरो मैले भने शिक्षित हुनुपर्छ, अर्को भनेको यसको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, र अर्को भनेको उजुरी गर्ने मान्छे बसाल्नु पऱ्यो। म विभेद, मलाई विभेद भएको छ भने म सहेर बस्नु हुँदैन, म पनि यो देशको नागरिक हुँ, मेरो पनि बराबर यो देशमा सबैको जनताको जति अधिकार छ मेरो पनि त्यति नै समान अधिकार छ, र यो गरेको मलाई जुन विभेद गरेको छ, मलाई जुन अन्यायमा पारेको छ, यसको चाहिँ नेपाल कानुनले यिनीहरूलाई यो कसुरदारलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था गरेको छ भनेर उजुरी गर्नु पऱ्यो। त्यो अहिले हामीले जुन योभन्दा पहिले पनि तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ नि, 72-73 अहिलेसम्म 74-75 चारवटा जुन उजुरी परेको छ, कतिजनालाई सजाय भइसक्यो अहिलेसम्म? होइन, यसमा मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यो प्रत्येकमा चाहिँ एउटा केसमा चाहिँ प्रतिवादीहरू फरार भएको हुनाले फरार अवस्थामा नै हडम्याटभित्र यसको चाहिँ 3 महिना होइन सजाय भएको पनि छ। मैले त तपाईँलाई अघि नै भने यसमा चाहिँ सजाय पनि भएको छ उनीहरूलाई, जस्तै तत्काल ठुन्छेको उसमा चाहिँ धरौटी लिएर अदालतले गरेको अवस्था छ। आरोपीहरू जुन छन्, जुन फरार भएका छन्, कहिलेसम्म पक्राउ पर्ने अवस्था आउँछ त? अन्त तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो अदालत कानुनी प्रोसेस हो, यसमा अदालतमा प्रतिवादहरू चाहिँ अदालतबाट समन जारी भएको छ, अब त्यो समन जारी भएको अवस्थामा उनीहरू आफै हाजिर हुन पनि पाउने कानुनी अधिकार छ, र उनीहरू हाजिर नभएको अवस्थामा हामी पक्राउ गर्छौँ। फेर छ सहभागी तरफ आव चाहे जो किनको यदि प्रश्न हो त पहिल रोमे बैसल छ पुरुष सहभागी। हमर प्रश्न सांसद माननीय दिलीप शाहजी के, कैला कि कनी देर पहले तो अपने सब संविधान में लिखित है कि दलित सबके हक अधिकार कहिए दिले, फिर भी हम कुछ दू चारिटा बुधा लिख कर ले छे अहाँ सबके लेल। प्रश्न संविधान के धारा 23 में लिखल छे, समानता को हक में सब नागरिक कानून को दृष्टि में समान रहने छ, मगर दलित दलिते छे तबो कैला। धारा 29 में छुआछूत तथा भेदभाव विरुद्ध हक पारित भएको छ, धारा 34 में शोषण गर्न पाउने छैन भनी पारित गरेको छ, धारा 39 श्रमको हकमा श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा सामाजिक हक हुनेछ, धारा 45 दलितको हकमा एक दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा सेना प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारमा रोजगारी प्राप्त हक हुनेछ, अरू के मगर यी सब एगो कागजमै मात्र सीमित छ। दिलीपजीसँग हम यी प्रश्न कहि रहल छी, अखिन तक दलित राज्यसँग कैला अत्य पछाडि पड़ल है, आओर यी दलित सब कहिया मतलब एहि सबमे अगाडि पड़तै आओर अपन हक अधिकार कहिया मिलतै दलित सेकपे अत्य कहि तऽ हम धन्यवाद। खास कऽ कऽ ई संविधानमे क्लियर उल्लेख है जे समान अधिकार वाला बात, विभेद नहि करऽ वाला बात, राज्य सत्तामे सहभागिता वाला बात जे अपने रखलियै यऽ, स्वाभाविक रूपमे ई अखनि संविधान कार्यान्वयनके प्रक्रियामे अगाडि बढ़ि रहल है। सब चीज कार्यान्वयन चटे भए तऽ सेहो वाला बात तऽ नहि है, लेकिन आब ई कार्यान्वयन जे खास कऽ कऽ अखनि हम स्थिर सरकार बनेलिए, समृद्धि वाला बात सब करि रहल छियै, ई समान अधिकार वाला बात करि रहल छियै, एहि सब चीजके लागू आब ई स्थिर सरकार करतै, हमरा अहाँके सबके आश करऽ वाला जगह है, ई एगो प्रक्रियामे है, कानून कार्यान्वयनके प्रक्रियामे है। ताहिसँ हमरा कथी लागि रहल है एहिमे कि हम अहाँ एगो पहिले तो सवाल उठलै जे चेतना उजुरी ई सब वाला बात कार्यान्वयन ई सब हम अहाँ जे जनतामे चेतना जगबै वाला बात है, उजुरी प्रशासनमे करऽ वाला बात, यदि प्रशासन नहि टेरलकै कार्यान्वयन नहि कर, अखनी तक तऽ एगो है जे कार्यान्वयनके पक्ष फितलो है, ई सब हम देखल जाइ सब, लेकिन हम अहाँ अपनो ठाउँसँ ओहि चीजके अगाडि बढ़बऽ पड़तै। दोसर अहाँके आब ई जे अधिकार संविधान कार्यान्वयन बढ़िआँ ढङ्गसँ अगाडि बढ़ि जेतै तऽ ई आपसे आप लागू होतै से हमरा लागि रहल। दिलीपजी तऽ प्रश्न तऽ हुनकर वएह छलै ने, कार्यान्वयन नहि भऽ रहल छै, कहिया तक कार्यान्वयन करबाबैके जिम्मा अहाँ सब लेबै? कार्यान्वयन तऽ आब तऽ हम तऽ कहलियै अपने स्थिर सरकार बनबैके लिए, ओहि सरकार द्वारा हमसब सब लागू कऽ कऽ एकटा समयके अवधि हेतै ने, साल भरि, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोनो अवधियो नहि तो कहते जनता कहिया तक इंतजार में रहतै? करै से पहिने सरकार हम अहाँ बनेने छी, चुनने छियै, तब तो कार्यान्वयन करैके दायित्व है, कार्यान्वयन हमसब करबेबै से प्रतिबद्धता हमसब जाहिर करै लए चाहै छी। दायित्वके साथ जवाबदेही तऽ जवाबदेही तऽ भी है,
हम सब प्रतिबद्धता जाहिर करै छी अपना तरफ से जे हम सब कार्यान्वयन प्रतिबद्धता अहाँ सब बहुत दिन से दऽ रहल छी लेकिन कार्यान्वयन वा ग्राउंड पर की छै जमीन पर की अवस्था छै गुनासो विभिन्न किसिम के तऽ आबि रहल है एखनो तक नहि छै संविधान में उल्लेखित छै तैयो नहि भऽ पबै छै यदि सब जगह जनता अपने जाकर आवाज यदि उठाबे लगतै तऽ जनप्रतिनिधि चुनल के कैला फेरो नहि ये चेतना वाला बात हम बोली जनता अपने जनता के तऽ आवाज छै समस्या उठाबी पड़तै दोसर अहाँ सब ये स्वाभाविक है जीता के पठेने छे ओकरा सब पर एगो जवाबदेहिता दायित्व बोध जे है उ सब करते हम सब अपना ठाव से कर के प्रक्रिया में छी नहीं कहलिए संविधान लागू है के प्रक्रिया में है प्रक्रिया में चल गए तब तो प्रक्रिया में गए तो लागू हेबे करते से तो विश्वास करे पड़त हमारा के नहीं लेकिन वो समय अवधि नहीं अल जनता के एखनो नहीं मालूम है समय बहुत पाँच साल बहुत कम 100 साल में नहीं पाँच साल के अवधि दिली सगभर पाँच साल में बहुते इसी सब न्यूनीकरण भाई बुझाए अगाड़ी बढ़ जेते चीज एखन अहाँ सब जनमंच देख रहा छी हम छी अमित ठाकुर आई हम सब करजना नगरपालिका के मुख्य बाजार से रिकॉर्डिंग कर रहा छी बहस के विषय जातीय विभेद तथा छुआछूत पर हम सब आई बहस कर रहा छी हमरा सब के साथ में बहस में छथि प्रदेश सभा प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सांसद दिलीप शाह तथा करजना नगरपालिका के मेयर गंगा पासवान तहिना जिला प्रहरी कार्यालय के DSP गजू सिद्धि ब्रजाचार्य जी हमरा सब के साथ में छथि फिर से बहस में हम सहभागी तरफ आ बचाव जौं किनको यदि प्रश्न है तो हाथ उठा कर प्रश्न कर सके छी दोसर रो में टोपी लगे निहार नमस्कार हमर नाम ललित कुमार महाड़ा घर करजना वार्ड नंबर 9 हम अपन बीतल घटना कहे छी जबकि ये छठ छठ भग जब जे घाट जे बनबे छै ने तब घाट बनब गेली अगाड़ी कहिके तऽ कहे बोलू कहिके नहि अगाड़ी नहि बनाउ अहाँ सब कहिके जे पछाड़ी बनाउ नहि तऽ हमरा के पानी छुआइ छै ताहि लऽ कऽ हमरा आपके हाथ पात सेहो केलक आओर जाति आधार सँ हेलना सेहो केलक दोस्त अपने सब उजूरी देबऽ गेल रही कि नहि उजूरी शिकायत के लिए कि नहि शिकायत समाज में तऽ भर वाला आदमी सबके कहलिए खोजलिए प्रहरी तरफ कैला नहि गेलिए अपने सब प्रहरी तरफ जब समाज जब बड़का आदमी जब जे छै नेता टाइप के ओ सब आदेश दे दे तकर बाद हम सब प्रोसेस आगाड़ी बढ़ा सकै छी यदि ओ ओकरा सपोर्ट नहि मिलतै हम सब कुछ नहि छियै प्रहरी प्रशासन तऽ सबके लेल बराबर सबके लेल छै तऽ हमरा जते बात मानतै ने हमरा जते बात नहि मानतै ओहिसँ बड़का आदमी के बात मानतै स्थानीय तौर पर मिलाबै के बातचीत होइ छै जी गंगा जी हुनकर प्रत्यक्ष ओ कहि रहल छथि जे स्वयं समाज में अपना आपके नेता कहा वाला व्यक्ति सब समाजे में ओ मिले मतों के काज करै छथिन आ प्रहरी प्रशासन तक नहीं पहुँचा दै छथिन आगामी दिन में एहन घटना सब नहीं होए ओहि लेल अपने सब की करल जा रहल छै एहिले दलित समुदाय के और करजनहा वासी के संपूर्ण के आग्रह करय चाहे छी कि इस समाज आब एहि देश में परिवर्तन सब भेले बहुत आंदोलन सब भेले जनयुद्ध भेले सब परिवर्तन के दिशा अगाड़ी बढ़ रहल छै आब एकर अंत करय के लागि सब जना के अग्र भूमिका चाही ताहि में दलित के जे सवाल से उपजि रहल छै दलित सकभर ओपन प्रयास कि हम सब अगाड़ी बढ़ी ओहि सोच के साथ बढ़ रहल छै लेकिन जे पुरना रीति रिवाज छै समाज में ओहि हिसाब से दाबि के राखी ओकरा जोड़े संघर्ष दलित के भऽ रहल छै हम ई देखली हुनका तऽ एकटा छठि के पर्व में देखेलक हम स्वयं के भोगी आदमी छी हम एकटा मुद्दा जोड़े यही करजनहा जखनी हम मेयर नहीं बन चुकल छली 10 वर्ष के जनयुद्ध में सहभागी भेल जनसंघर्ष जन आंदोलन द्वारा एहि समाज ने स्थापित भेल हम दलित के घर में जन्म तो जरूर है लेकिन हमर पहचान जनयुद्ध जोड़े है जनयुद्ध कयो दलित के लागी कयो मुद्दा के उठा कर एहि समाज ने आइ जे दलित अपन पहचान देखब सके छै ओ जनयुद्ध के देन छै हमरा महसूस भ रहल छै हम अपने एहि लेल रोकब अहाँ स्वयं स्वीकार कर रहल छी जे हम सेहो एहि के पीड़ित छी आब अहाँ जनप्रतिनिधि छियै जखन जनप्रतिनिधि पीड़ित रहतै आ ओ यदि रास्ता नहीं देखते जे हमरा कतो से न्याय भेटत जब जन प्रतिनिधि की हालत जब हम जन प्रतिनिधि नहीं चली तखन के बात कह रहा हूं एखन तो अभी के बात कह छी ओई जोरे जोर के हम बात अपने सब ल राख दिया चाहे छी जबकि है ना अई ठाव ने बस्तीपुर कोनो दूर नहीं छे एकटा पासवान के लड़की के एकटा दास के लड़का
ओकरा दुनू के संबंध भेला से उ सब एहि समाज ने नहीं स्वीकार के लिए ओकरा एकटा बारी में जाकर एकटा है ना घर बना के ओकरा रखल के समाज ने ओकरा है ना बहिष्कार छै कि नहीं छै अइ के है ना अइ के कानून कानून स्वयं देखने है अइ ल करजना चौकी देखल के मिर्चिया कोले अपने कनी नहीं नहीं हुनकर प्रश्न से हम अहाँ डाइवर्ट कर रहल छी हुनकर प्रश्न जे छै स्थानीय स्तर पर कैला मिलाएल जाय छै स्थानीय स्तर पर अपना स्थानीय छल पर स्थानीय में एक चोटी अपने सब सुन देलिए कि अइला अपना सब के डीएसपी साहब है ना कानून के रखवाला सबसे अगाड़ी कुछ भी समाज ने है ना विवाद अबे तो कानून सबसे अगाड़ी जाय वाला प्रशासन छै लेकिन जै ठाउ में अइ समाज में अइ दलित पर जे जखनी विभेद होइ छै तखनी जाकर अइ समाज ने डीलिंग कर दिया वाला सबसे कम कमजोर अवस्था ने दलित जाति छै तै दुआरे दलित जाति के पहुँच नहीं भेला के कारण से अखनी अपना सब ले जाओ तो हम एक विभेद के हिसाब से कह सकै छी कै ला स्थानीय स्थानीय पर मिला देल जाय छै जी स्थानीय सही में अहाँ सब की करबै ओहि प्रश्न के जवाब एखनो नहीं एलै जी आइते अपने के एक छिन सुन देल जाय अपने सब अखनी जे स्थानीय निर्वाचन भेलै स्थानीय निर्वाचन ने गंगा जी हम बेसी समय नहीं देब हमरा हमरा पास ओते समय नहीं है अहाँ अहाँ दू ठैक का जवाब दियौ जे कैला कैला स्थानीय स्तर पर भऽ जाय छै ई करजना जे छै दलित बाहुल्य एरिया छै दलित बाहुल्य जगह पर ई अवस्था रहतै दलित जनप्रतिनिधि छै एतऽ स्थानीय स्तर पर मिला देतै आरो जगह की हेतै अहाँ सब की करबै एहि के जवाब मात्रे देल जाउ अपने की कह चाहै छी कि दू नंबर प्रदेश में दलित के बहुल्यता छै करजहा नगर पालिका में दलित के बहुल्यता छै लेकिन एहि ल सिंगल एकटा दलित मेयर छियै तऽ सभे वाडा में है ना आरो है ना जाति सबके है ना बहुल्यता छै हम एहि दिशा है ना केंद्रित करय चाहै छी कि एहि ल दू नंबर प्रदेश में दूटा दलित जब है ना ए राजे पक्ष एहि ल है ना जे संरचना लेलके संरचना लेल कहले हम बार बार एहि लेल रोकब ई विवेक छै एहि विवेक बार बार एहि लेल रोकब जे हमर प्रश्न के जवाब एखनो नहीं एलै स्थानीय स्तर पर कैला मिला देल जाय छै एहि ल मिला देल जाय छै कि जैन उन ओकरा पहुँच कमजोर छै ओकर है ना अपने सब डीएसपी साहब से सुन गेलिए कि अशिक्षित छै अशिक्षित के कारण से अशिक्षित भेला के कारण से हमर दलित दलित समुदाय सब जे ककरा लग जाय छै जे शिक्षित छै हुनका ठाउँ में गेला के कारण से ओकरा है ना कतौ होइ तऽ ओ अपना हिसाब से लीडिंग कऽ दै छै तै दुआरे ओकर प्रतिनिधित्व नहीं भेटला के कारण से ओ आदमी ओहि ल जाकर ओ दलित सबके ओहि हिसाब से दाब पड़े छै सुना में तो निमन लगे छै लेकिन कतौ ने कतौ जाकर ओ दाब नहीं पड़ल रहै छै से हमरा सबके है ना देखा पड़ रहल आब स्थानीय स्तर में आब जनप्रतिनिधि सेहो छै एहि एरिया में दलित जनप्रतिनिधि आब अहाँ छियै तथापि एखन आब नगरपालिकाए में न्यायिक समिति बनाबै के व्यवस्था सेहो कऽ देल गेल छै न्यायिक समिति के माध्यम से आब स्थानीय स्तरे में ई मिले मतो चाहे मिलापत्र जे कहियौ चाहे बात के समाप्त कऽ देल जाय एहि के समाधान केना करबै न्यायिक समिति के मार्फत न्याय समिति हमरा सबके गठन भऽ चुकल छै है ना मुद्दा दर्ता भऽ रहल छै हमरा सबके नगरपालिका में जे भी मुद्दा जाय छै हमसब न्याय समिति के मार्फत दर्ता करा रहल छी आब ओकर सुनवाई हमरा सब एहि दू चारि दिन के भीतर में हमसब शुरुआत करबै है ना जे हमरा सब क्लियर भऽ सकल छै आब एते अहाँ श्योर कऽ सकै छी गारंटी दऽ सकै छी जे स्थानीय स्तर पर मिले मतो के काज नहि हेतै आब ओकरा न्याय मिलतै स्थानीय रूप में आब तऽ है ना जनप्रतिनिधि भऽ गेलै स्थानीय सरकार भऽ गेलै स्थानीय सरकार के तहत है ना जनपर दलित सबके मुद्दा जन समुदाय सबके मुद्दा सब पर मुद्दा पर डीलिंग होते से हम विश्वास दिबे चाहै छी फेर सँ सहभागी तरफ आबै छी जँ किनको यदि प्रश्न होय प्रश्न कऽ सकै छथि हाथ उठा कऽ हमर नाम रहै रिझदेवी महरा करजनहाना नंबर वार्ड के हमरा पड़ोसिये के भोज भेलैया कि कार्ड देने छलैया सोमवार सँ जैले साँझ में बरियाती अयतै तऽ 3 बजे में ओ कार्ड फिरता कऽ लेलकै फिर नाता दऽ कऽ भोज नहि खा देलकै छुआई बियाह भऽ गेलै तऽ फेन ओ जाइ है हमरा कल पर पानि पिए कोनो चीज माँगा जाइ है तऽ हमर घर नहि छुएलै ओकरे छुएलै हमर घर हमरो घर तऽ छुएलै तऽ हम केला जेबै ओकर बर्तन धोअ ओकर केला जेबै सेवा करऽ पचा पचा केला जेबै घूरऽ हम छुआवला छी तऽ हमरासँ उहटि कऽ रहू पोखरिमे जाइ है घाट है एके गो पबनी करऽ जाइ है तऽ कही नहि कर पानि अबै है ओ तऽ पश्चिम वर्षसँ तऽ ई पानि बलू गेलै तऽ हमरा दिखन तऽ छुआ गेलै तू पछाड़ीमे जो तऽ हम पछाड़िए रहबै सबदिनके अगाड़िओ बढ़बै सबदिन नीचे रह
बढ़ब कि अगाड़ियो बढ़बै गंगबासँ समाज ने जे पीड़ा छै जे समाज बाटे पीड़ा भोगते आबि रहल छै हुनकर प्रश्न बहुत सुंदर छै ताहि दुआरे ओकर जवाब के हम स्थानीय सरकार के नौता सँ मेयर के नौता सँ ई समस्या सब आबय वाला दिन ने समाधान क के जेबै से हम एकटा है ना विश्वास दीब चाहै छी। दिलीप जी, प्रदेश नंबर दू में कहल जाए छै जातीयता हावी भऽ गेलै तै में दलित संघ के छुआछूत ओहो एकटा विषय अबै छै। ई जातीय विभेद मुक्त समाज के निर्माण नहीं भऽ सकै छै? जातीय विभेद अंत्य करय पड़तै, जब तक एहि चीज के अंत्य नहीं करतै तऽ समाज के जे विकास प्रक्रिया है ओ अवरोध भऽ जेतै। जैसे ओहि के अंत्य हमरा अहाँ के कनाइ अनिवार्य है, लेकिन हम अहाँ जे हिसाब से अगाड़ी बढ़ चाहै छियै कुछ न कुछ हमरा अहाँ के दक्षिणी प्रभाव सेहो पड़ि रहल है। दक्षिणी खास कर बिहारी प्रभाव जे होइए के कॉन्सेप्ट, जातीय कॉन्सेप्ट सब जे ठीक है, मतलब रात के समय में अहाँ देखियो या जे जे हिसाब से भोज भात ई सब जातीय हिसाब से जे चलन जे होइत आबि रहल है ओना कि अखनी तो हालांकि ओहि सब से बहुते आदमी उठल जा रहल है कुछ आदमी सब, लेकिन बहुते परसेंट अखनको अहाँके 75% ओ है दू नंबर प्रदेशे में नहीं अन्य मतलब खास कर पाँचो नंबर प्रदेश में अहाँ देखबै तो ई चीज है दू नंबर में, लेकिन बेसी अपने ठीके कहलिए दू नंबर में बेसी है। ओहि चीज के हमरा अहाँके अंत्य केनाई जरूरी है। समस्या कत है अहाँके, मतलब सबसे पहले हम अपने आप में चेतना जागृत लेनाई, समाज में एगो जागरण अभियान चलनाइ, लेकिन कानूने बनाकर सब चीज भ जाए जब तक चेतना नहीं हेतै तो स्वाभाविक रूप में अंत्य नहीं होते। जैसे ये जातीय प्रथा खास कर छुआछूत प्रथा ये दू नंबर प्रदेश में जो बेसी है अ चीज के हमरा आके अंत्य केनाई जरूरी है। आ हमरा आके सबके मिलकर कानून एखन के मौजूद जो कानून जो है ओके कार्यान्वयन कराबे में स्थानीय स्तर पर मिले मतो नहीं हो, प्रहरी प्रशासन ठीक से काज करे, ओहिमे अहाँ सबके की कदम रहते? ओहिमे अ के फिर लागू करे के लागि खास कर स्थानीय निकाय है न स्थानीय तह जरा कहे अखनी तकरा बाद में एक स्थानीय प्रहरी प्रशासन भेले, अब लागू करे में हमरा सबके हम सब तो हमरा सबसे जे सहयोग करे पड़ते हम सब सहयोग करे के लागि सबके तैयार छी। गंगा जी, आई आर्थिक वर्ष में नगर पालिका के तरफ से करजना नगर पालिका के तरफ से अहाँ दलित सशक्तिकरण के नाम पर 5 लाख बजट जैसे विनियोजन केने छी, ओ दलित सशक्तिकरण में की हो बजा रहल छै? 5 लाख कत कत खर्च हेतै? अभी हम स्थानीय सरकार मेयर के तरफ से हम 5 लाख मात्रे नहि दलित के जे हमरा सबके विशेष ध्यान दलित सबसे पछाड़ी अशिक्षित छै अपने सब है ना एकटा कानून के रखवार से भी है ना सामाजिक रूप में सुन ले लिया जे अशिक्षित छै दलित सब, तै दुआरे शिक्षा रूप में दलित के अगाड़ी बढ़ब पड़तै, तै दुआरे हम जहिया शपथ ग्रहण लेलिए मेयर के हैसियत बनाकर तै दिना हम घोषणा कर चुकल छे कि दलित सबके SLC पास केला विद्यार्थी के हम सब ओकरा है ना राहत के व्यवस्था करबै, छात्रवृत्ति के व्यवस्था करबै से घोषणा कर चुकल छी हम है ना। ई 5 लाख जे विनियोजन के लिए समय में जा रहल छै है ना, 5 लाख के है ना, ई 5 लाख तो अलग छै, आइ के की हेतै आइ के बारे में जानकारी दियौ। अकरा हम सब जे समाज में जे दलित के एकटा अभियान चलेबै, दलित के एकटा जागरण करबै, टोल टोल ने जाकर दलित समुदाय सबके एकटा है ना भेला करबै, वार्ड सब ने जाकर ओकरा सबके जनचेतना जगेबै कि आप सब हम सब उठू अगाड़ी बढ़ू है ना। विभिन्न विभिन्न NGO INGO सेहो इहे काज कर रहल छै, स्थानीय सरकार के कार्यक्रम ओ NGO INGO से कतेक फर्क रह वाला छै, कतेक प्रभावकारी हेतै? फर्क है ना अपना अपना हिसाब से NGO INGO सब ओहो सब करै छै, ओकरा सबके है ना दलित के कार्यक्रम लऽ कऽ जे एतै दलित के है ना हमरा सबके नगर पालिका स्तरीय है ना कार्यक्रम में सहभागी होतै, हुनका सबके ठीक कार्यक्रम होतै, हम सब सालन चालन कऽ संगे संगे लऽ जेबै है ना दलित के नाम पर। ओ सब कोनो हिसाब से फिर भी है ना एकटा है ना INGO के रूप लऽ कऽ विभेद करऽ एतै, ओकरा सबके करजना नगर पालिका में है ना जे ई कार्यक्रम नै चलते से हम अपने सबके विश्वास दीब चाहै छी। फेर सँ सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जौ किनको यदि प्रश्न होय तऽ हाथ उठा कऽ प्रश्न कऽ सकै छथि। नमस्कार, हम राम नारायण पंडित, खास कऽ कऽ जे अखन ई आइ जातीय
विभेद जातीय छुआछूत के बात भ रहा है खास कर ई नगर स्तर में यदि निर्मूल भ जाए तो जातीय छुआछूत हटतै नगर में गाँव में जैसे अपना के भर भल आदमी पंच गह वाला धनिक मनिक आदमी सब जे कहो सह कर यदि थाना जेबी तो वही जा ठोका देव गंगा जी स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न भेल छे निश्चित रूप से समाज अही हिसाब से चलते आ रहल छे लेकिन अब स्थानीय सरकार आ चुकले हम जन समुदाय सबके दलित समुदाय सबके ई कह चाहे छे कि आप अपने सब जे कोनो दलित पर भेदभाव छै तो अपने सब न्यायपालिका में आबिकऽ नगरपालिका में जाकर एकटा निवेदन डाल करू अहाँ सबके न्याय भेटतै से विश्वास दिबऽ चाहे छी भद्राचार्य जी यहाँ कुरा अब त्यो जनचेतनाको अभाव हो कि के हो जनता आउन चाहदैन प्रहरी कहाँ एउटा जुन माहौल छ भनौ चाहे जुन उहाँहरुको ज्ञान छ चाहे जे भनौ कि प्रहरीले नै त्यस्तो गरिदिया हो प्रहरी निर गएपछि उहाँबाट पनि हामी पीडित हुनुपर्छ उहाँहरुले पनि हामीलाई न्याय दिनुहुन्न यसको विषयमा के छ तपाईहरुको भन्न हामीले सधैँ जुनसुकै अपराध नेपाल कानुनले अपराध भनेर इङ्कित गरेको जुनसुकै अपराधको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ हामी अनुरोध गर्छौँ उजुरी गर्नुहोस् भनेर अहिले यो जुन यो जातीय छुवाछुतको विषयमा जातीय विभेदको विषयमा जुन कुरो भयो यसमा चाहिँ समाज अघि पनि भन्नुभयो समाज यो चाहिँ कसो भनेपछि यो धेरै जसो हुने भनेको छिमेकी बिचमा वा नजिकै बसेको एउटा नेबरहुडमा हुन्छ यो कुरो एउटा त्यहीको टोल छिमेकमा हुने हो र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रहरी प्रशासनसम्म आउनै दिँदैन बाटोमा उसलाई प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी नै दिँदैन जुन अघि सहभागीबाट पनि कुरो आयो त्यहाँ चाहिँ अब समाजका अलि गण्यमान्य अलि पहुँचवाला समाजको ऊ भन्नेहरूले चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ उसलाई रोकिदिन्छ त्यो उसलाई प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी नै नदिने थाहै नहुने किसिमले चाहिँ त्यही रोकिदिन्छ र अहिले जुन अघि मेयर साहबले नि भन्नुभयो स्थानीय सरकार आएपछि अब त्यसलाई त्यतातिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ उजुरी गर्नुपर्छ यो भनेको यो भनेको अपराध हो यो भनेको समाजले बसेर छलफल गराएर मिलाउने कुरो होइन यो भनेको फौजदारी अपराध हो यसमा चाहिँ सजाय हुन्छ फौजदारी सजाय हुन्छ जेलसम्मको सजाय हुनसक्छ यो भनेको ठुलो अपराध हो यसलाई चाहिँ समाजमा बसेर एकचोटिलाई भइहाल्यो भनेर चाहिँ मिलाउने कुरो होइन भन्ने कुरो हुनु पऱ्यो र त्यसरी यसले यो जुन ऐन छ जातीय विभेद तथा छुवाछुत ऐन यसले चाहिँ यसरी मिलाउनेहरूलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ अनुसन्धानमा अवरोध गर्नेहरूलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ त्यो भएको हुनाले के भने उहाँहरूले चाहिँ गरेर मैले अघि नै उमेश सालले भन्नुभयो यो ऐनले चाहिँ स्पष्ट कार्यविधि चाहिँ टोकेको छ यसो समस्या पऱ्यो भने के गर्ने भनेर स्थानीय प्रहरीमा जाने प्रहरीमा गएर अघि तपाईँलाई अन्य प्रहरीले नि यसलाई चाहिँ ऊ वास्ता नगर्ने हो कि मुद्दा दर्तै नगर्ने हो कि भन्यो भने त्यो भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने कानुन बनाउनको समयमा इनकेस त्यस्तो भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर पनि कानुनमै व्यवस्था गरिदिएको छ भनेको त्यो भएको हुनाले चाहिँ के भन्दा चाहिँ मलाई लाग्दैन कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले नै यसलाई चाहिँ सिरियसली नलिएला भन्ने मलाई लाग्दैन एकदम सिरियस रूपमा लिन्छौँ हाम्रो विभागीय नीति पनि छ आदेश पनि छ निर्देशन पनि छ यसलाई सिरियस रूपमा लिने भनेको यसलाई सिरियस रूपमा लिन्छ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यसलाई सिरियस रूपमा लिन्छ आउनु पऱ्यो यो चाहिँ अब गएर भने न यो उसमा गएर नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई जानकारी दिनु त ठिक हो जानकारी दिनु एज अ नगरको चाहिँ प्रतिनिधि भएको हुनाले जानकारी दिनु ठिक हो तर यो चाहिँ यो केस भनेको नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्रको केस हो यो फौजदारीका अभियोग हो यो अनुसूची एकभित्र समेटेको फौजदारी अभियोग हो त्योवालाई यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कसुरदारलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था गर्छ अब फेर सहभागी तर्फ अब चाहब ज किनको प्रश्न हो प्रश्न पुगिसके सर हाम्रो नाम मोहम्मद मुस्तकिम घर करजनहा नगरपालिका करजनहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 पऱ्यो अब मुस्लिम समुदायसे छ ई छुवाछुत विभेद करजनहामे जे बहुते जगह हइ अखन तो हइ भोज भातरमे हइ जेना छठिमे कहलके ओहूमे भऽ रहल हइ लेकिन नेपालके जे संविधान हइ जे खस बावनसँ पहिनेसँ चलाइ रहल हइ ओ तऽ राष्ट्रीयमे विभेद पालि देने हइ दलित सबपर जनजाति दलित मुस्लिम एहि सबपर तऽ राष्ट्रीयसँ विभेद पालि रहल हइ ओसब अपनेमे विभेद कयने हइ तऽ एहि लऽ समाजमे कथी करतै ओ समाजमे अखन तऽ कोनो बावनपन्थी कोनो दलित बेटीसँ बिआह कऽ सकै हइ नहि कयने होतै आ करबो नहि करतै हमरा बुझाइ तब तऽ हमरा बुझाइ विभेद तऽ ओतैसँ आ एकटा चीज आरो मेयर साहबसँ कहि रहल छै जे अखनी
कुछ देर पहले तो कुछ बाजल छे कि उपिंदर महतो के भोज भतेल में छुआछूत भेल है कि केना कि वह चीज के हम स्पष्ट तखनी स्पष्ट नहीं भेल है वह चीज के एकटा स्पष्ट मांग रहल छे कि वही में छुआछूत भेल है कि नहीं जेना महरा समुदाय के भेल है कल के तो वही छुआछूत मानने है कि केना है अरे के लिए छुआछूत के जे भावना है वो भावना जे जत भी है अगर वो करके नहीं न्याय समिति बनल है चाहे ककरो भी घर में एहन छुआछूत के भावना भ रहल है जे पीड़ित छी अपन न्याय समिति में अपन अपन निवेदन दियौ चाहे प्रशासन में दियौ अपन न्याय तुरंत के तुरंत लिए ये गाँव समाज में जे रखे छे कोनो नेता ला बात उ नेता ला नहीं राखो प्रशासन में डायरेक्ट पठा दियौ चाहे न्याय समिति बनल है नगरपालिका वही में पठा दियौ हमारे इतनी हब धन्यवाद। अभी जे हमरा सब के मुस्लिम समुदाय बाटे जे रखल के जे डॉक्टर उपिंदर महतो के घर में भोज भतेर भेले तैमे है ना दलित के हल्ला कर गेले प्रश्न छै कि छै नै अइ विषय ने प्रश्न पार दिए के लागे हुनका धन्यवाद। हमरा ख्याल से इस समाज अइ ठाउँ में छै महरा समुदाय सब भी अइ ठाउँ में छै अकरा हमरा बुझल अनुसार जखनी नौता दिए गेले जे हमरा सब के भोज के जे सिस्टम छै समाज के मधेश के जे कल्चर छै ओहि हिसाब से ओ सब ओहि दिन खाना भोज में नहीं गेले अइला नहीं गेले जे हमरा जे महरा समुदाय सब जे हमरा ला राखने छै विषय जे हमरा सब के जे पछाड़ी से जे एकटा ओकरा सब के जे जाति छै ओ सूरी समाज के जे समाज छै जे ओकरा सब के अगाड़ी से बीजो करवल गेले जे है ना निमतो देने रहे ओकरा है ना जे चलू अहाँ सब के है ना समय भ गेले जाके भोजन कर जाओ लेकिन महरा समुदाय के ओहि हिसाब से कह नहीं अल ते हिसाब से महरा समुदाय सब ई विषय बुझ गेले जे हमरा सब के है ना हल्ला कैलक उ सब ओहि दिना है ना नहीं गेले खाना खाए के लागे कि हमरा सब के हल्ला भेल ई प्रश्न छै नहीं छै तो हम मीडिया साथी सब के कि एक चोटी घूर के ई बात सब के महरा समुदाय सब जोड़े बुझ सके छी अपने दोसर ने हुनका एकटा सवाल आरो छै जे ई राज्य पक्ष जे ई देश में नीति ओहन छै कि बाभन दलित के बच्चा जोड़े शादी करते हुनकर बहुत सुंदर प्रसन्न छै लेकिन एकटा है ना अपन जे समुदाय ने सायल छै हम सब हुनका जोड़े एक चोटी अहाँ एकटा नेतृत्व छी अइ समाज के है ना बुझा वाला व्यक्ति छी अहाँ कयो हलाली के लाय के हम सब भीतर कह सके छी हमर छोपल अहाँ एको बूटी खा सके छी है ना अइ के उत्तर छै अहाँ सब ल नहीं छै अहि ले विभेद छी आक्रांत करे के लागि अहाँ के तैयार होय पड़ते कि हम जब है ना अहाँ के काटल खा सके छी तो हमर काटल अहाँ किया नहीं खा सके छी विभेद राज में कि विभेद अठल ई विभेद छै दलित प्रति के मात्रे नहीं न्यायिक समिति में सब समस्या समाधान भ जेतै कि एखनो जनता के प्रहरी तरफ जाके अवस्था रहबे करतै प्रहरी अइ देश के कानून के सबसे अगाड़ी बढ़ दिया वाला एकटा है ना हुनका सब के जे है ना एकटा फॉर्मेशन खड़ा कर देने छै देश में सबसे पहले का भूमिका हुनका सब के खेल चाहिए तै के बाद है ना जे निवेदन हेतै हमरा सब के जे निवेदन हेतै अइ समाज के बीच में हम सब हुनका ई जे स्थानीय चौकी सब छै जे करजनहा नगरपालिका भीतर ने प्रशासन के जे चौकी छै ओ नगरपालिका अंदर भीतर ने छै हुनका सब जोड़े हमरा सब के समय समय पर है ना भेंटघाट हेतै बहस हेतै जे मुद्दा फौजदारी मुद्दा छै हम सब निश्चित रूप ने अगाड़ी बढ़ा देबै से हम एकटा है ना विश्वास दिबे चाहै छी सब मिला पत्र मिले मतो चाहे बात के मिला देना ये सब काज नहीं हेतै कि एकर निष्कर्ष हेबे करते मिला पत्र क देना प्रकृति देखल जेते केन प्रकृति के मुद्दा छै है ना कहियो काल अंजार सरकार त एकरा दंडनीय अपराध घोषित क देने छै ने होय छै अब एना छै ने समाज ने कोई जान के करे के अनजान ने करे छै अनजान के अजान के कहला के ओकरा सब के
है ना देखल जेते समाज बनब के लागी सब चीज बुझना जरूरी छे है ना ये हम समाज की विश्वास दिवस आगे छी सब जना सक्षम बनते एक जना मात्र सक्षम बनला से ये समस्या समाधान होय दिशा नहीं जेते बज्राचार्य जी अब जनता यदि तपाई कहाँ आउनुहुन्छ प्रहरी प्रशासन कहाँ गयो भने एस्ता किसिमका अपराध लिएर तपाई कस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ जनताले न्याय पाउलान् कि त्यहाँबाट पनि आपसमै समाजमै गएर मिलाऊ तिमीहरू यहाँ आउनु पर्दैन के किसिमको तपाईहरुको कारबाही हुनेछ अब मैले तपाईलाई अघि नै प्रतिबद्धता जनाए फौजदारी अभियोगमा फौजदारी कसुरमा कुनै किसिमको छलफल कुनै किसिमको बहस छलफल हुँदैन फौजदारी अभियोग भनेको अनुसन्धान गर्ने कसुरदारलाई सजाय दिलाउनको लागि हो र यो जातीय छुवाछुत तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुत भनेको फौजदारी अभियोग हो यसमा कुनै किसिमको छलफल हुँदैन यसमा गर्ने हुने भनेको के भने तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ त्यो झुटा उजुरी हो कि सही उजुरी हो वास्तवमै ऊ पीडित हो कि उसले चाहिँ किसिम किसिमको बनावटी चाहिँ कुराकानी लिएर आएको छ त्यसमा मात्रै हुन्छ र त्यो उसको वास्तवै पीडित हो भने त्यसमा चाहिँ कसुरदारलाई सजाय हुन्छ जनप्रतिनिधिले तपाईँहरूमाथि दबाब डाल्यो भने कि यो मुद्दालाई कारवाही गर्नु भएन मिलाउनु पऱ्यो भने त्यस्तोमा प्रहरीको के रोल हुन्छ मैले यो यो कसुरमा मात्रै होइन मैले त आउँछु कुनै किसिमको किसिमको फौजदारी कानुन जुन अनुसूची एकभित्र सूचीकृत भएका फौजदारी कानुनहरू जसमा चाहिँ फौजदारी अभियोग लाग्छ त्यसको त्यस्तो किसिमको कुनै पनि अपराधमा कुनै पनि अपराधमा कुनै पनि तबका कुनै पनि व्यक्तिले भनेको कुरा दबाब वा अनुरोध जेसुकै होस् त्यो चाहिँ कुनै मानिने छैन कानुन अनुसार जुन अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्छ अनुसन्धानबाट आएको निचोड अनुसार हामी त्यसलाई चाहिँ सजाय दिलाउने हुन्छ दिलीपजी प्रदेश सरकारके जे आब एन कानुन नियम बन्न जा रहल छ ओहिमे अहाँ प्रतिबद्धता जनबै छी जे ओ कानुन नियम सब एन सब दलितके हितमे रहवला छ वास्तवमे ओ जे अखनी जे प्रदेश सभासँ खास कऽ कऽ नियम कानुन बनेवला बात जे भऽ रहल अइ ओहिमे अहाँके दलित सम्बन्धमे या छुआछूत सम्बन्धमे जे बनतै ओहिके लागू करके संदर्भ में हम सब प्रतिबद्ध छी दोसर अहाँ के समाज में परिवर्तन बहुते चीज भ चुकल है लेकिन अखन को अहाँ के सामंती अवशेष जे कहे जो अखन को कायम है वो कायम जे है वो अवशेष हटाब के लेल हमरा अहाँ के अभियान जे ओकरा मस्तिष्क में जे भरल है पहिल का चिंतन सब ओ आब नया समाजमे जे रूपांतरण भऽ रहल अइ हमरा नया समाजके निर्माण करै लए जा रहल छी तऽ ओहिमे हमरा अहाँके सबके रूपांतरण होनाइ जरूरी है समाजके रूपांतरण केनाइ जरूरी है ओ सोच सब पुराना सोच चिंतन शैली है ने ओहि सबके परिवर्तन केनाइ जरूरी है ताहिसँ ओ परिवर्तन सँगसँगे अहाँके जे नियम कानून जे बनतै ओहिके लागू करऽमे ओहिके कार्यान्वयन करऽमे अहाँके सहज होतै से हम कहऽ चाहै छी स्थानीय स्तर पर जे नीति नियम अहाँसब आब बनेबै ओ दलितके हितमे कते रहवला छै आ स्थानीय स्तरे पर ई समस्या सब समाधान भऽ जाय केओ पीड़ितके अन्याय नहि होय ओहिके लेल की प्रतिबद्धता जनबै छियै जनता समक्ष मेरके हैसियतसँ करजरहा नगरपालिकाके सम्पूर्ण दलित समुदायके सम्पूर्ण नगरवासीके ई आग्रह करऽ चाहबै कि आब करजरहा नगरपालिकामे जे दलित विभेद भऽ रहल छै ओकरा करजरहा नगरपालिका न्याय समिति मार्फत हम सम्पूर्ण दलितके विश्वास दिबऽ चाहै छी समुदायके विश्वास अइ हम न्याय दिबेबै आइके बहस हमसब एतै समाप्त करै छी अहाँ सब अपन राय सलाह सुझाव सेहो हमरा सबके पठा सकै छी हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम फोन नम्बर 0415306003 तहिना ईमेल एड्रेस रहल अछि appantvnews@gmail.com आइके बहसमे हमरा सबके साथमे उपस्थित भऽ देनिहार प्रदेश सभाके सांसद माननीय दिलीप कुमार शाह तथा करजना नगरपालिकाके मेयर गंगा पासवान साथै जिला प्रहरी कार्यालयके DSP गजुसिद्धि व्रजाचार्यजी आ साथे सहभागी सबके हम धन्यवाद दैत आइके कार्यक्रम एतै सम्पन्न करै छी हमसब फेरसँ अगिला सप्ताह उपस्थित हेबे करब धन्यवाद